रामगंगा स्थित सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के 3 दिवसीय पंचम जेस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आरंभ हुआ। पहले दिन मैच सेट मैरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के बीच खेला गया। इस मैच में सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल की टीम 2-1 से विजयी हुई। टूर्नामेंट में विभिन्न स्कूलों से आई हुई 8 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सेठ आनंद राय जयपुरिया स्कूल, गाजियाबाद एयर आई इंटरनेशनल स्कूल बरेली, सेंट मैरिज स्कूल मयूर विहार दिल्ली, देहरादून पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, सेंट मॉर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, वूम वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद, वूम पब्लिक स्कूल नोएडा, सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल मुरादाबाद शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएसपी अमित पाठक ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके टूर्नामेंट का आरंभ किया। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के साथ ही पुलिस अकेडमी के संस्करण साझा किए। स्कूल डायरेक्टर ज्योति गुप्ता व प्रधानाचार्य सविता सिंह आभार व्यक्त किया। यहाँ पर क्या कार्यक्रम कराया गया? ये अपना 5th जेएस गुप्ता सॉकर टूर्नामेंट है इंटर स्कूल, और इसमें टोटल 8 टीम आर पार्टिसिपेटेड, इंक्लूडिंग सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल। इंक्लूडिंग पार्टिसिपेट टीम आर जयपुर इंटरनेशनल स्कूल गाजियाबाद, देहरादून पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, सेंट मार्क स्कूल दिल्ली, सेंट मैरी स्कूल गाजियाबाद, देन बरेली एसआर इंटरनेशनल स्कूल बरेली। सर टोटल कितनी टीमें रही हैं? 8 टीमें रही हैं। कितने बच्चों ने चयनित किया गया है इसमें? सर टोटल पार्टिसिपेशन दैट प्लेयर आर 125, एंड नाउ दैट वी हैव टू सेलेक्ट फॉर दैट सेमी फाइनल फॉर द 4 टीम्स, एंड दे प्ले टुमारो दैट एसआर इंटरनेशनल स्कूल बरेली, सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, सेंट मार्क स्कूल एंड देहरादून पब्लिक स्कूल। सर कितने दिवसीय कार्यक्रम किया गया है? 3 दिन के लिए किया गया है।